गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं सार्थक संवाद में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के साथ बीपीएससी के द्वारा जो सीडीपीओ की वैकेंसी आई है, उस सीडीपीओ की वैकेंसी के लिए आपकी तैयारी कैसी हो, आपकी तैयारी का रणनीति क्या हो, उसको मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, उसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूं। अगर हम बीपीएससी के द्वारा जो सीडीपीओ की वैकेंसी लाई गई है उसके सिलेक्शन के तरीके को देखें, तो ये जो सिलेक्शन का तरीका है यह तीन स्टेज में, तीन चरण में परिपूर्ण होने वाला है। अगर इसका हम पहला चरण देखें तो पहला चरण जो है वह प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का है, प्रारंभिक परीक्षा का है। और अगर हम प्रारंभिक परीक्षा की बात करें, तो यह 150 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जामिनेशन है, जहां पर आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, यहां पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। और यहां मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस एग्जाम का जो पैटर्न है वह पैटर्न सामान्यतः जो बीपीएससी एग्जाम का पैटर्न रहता है वही पैटर्न बीपीएससी के सामान्य एग्जाम की जो प्रिलिमिनरीज का पैटर्न रहता है वही पैटर्न रहता है। और जहाँ तक कट ऑफ की बात है तो कट ऑफ भी चाहे वो सीट ज़्यादा रहे या सीट कम रहे, कट ऑफ भी मोर द लेस वही कट ऑफ रहता है जो कट ऑफ सामान्य बीपीएससी एग्जाम का रहता है। सामान्य बीपीएससी एग्जाम में जो कट ऑफ रहते हैं वही कट ऑफ रहेंगे। तो बहुत ज़्यादा की अगर परिवर्तन होगी, बहुत ज़्यादा का अगर तब्दीली हो सकता है तो 4 से 5 नंबर का तब्दीली हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आप 100 तक भी स्कोर कर लेंगे तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आपका क्लियर होगा। आगे मैं प्रिलिमिनरी में क्या पूछे जाते हैं, बीपीएससी के प्रिलिमिनरी एग्जाम का क्या पैटर्न है, ये मैं डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं क्वेश्चन का पैटर्न डिस्कस कर लूँ कि मुख्य परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और उनका क्या स्कोरिंग होगा। अगर हम मुख्य परीक्षा की बात करें तो यह 900 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर, जिसमें 3 पेपर के प्रश्न होंगे। पहला जो है वो जीएस फर्स्ट है, फिर दूसरा जो है वो जीएस सेकेंड है, और तीसरा जो है वह एक ऑप्शनल पेपर के रूप में होगा। तीनों पेपर जो है वह 300 नंबर का होगा। और ऑप्शनल जो यहाँ पर बीपीएससी ने आपको प्रोवाइड किया है या आपके सामने जो ऑप्शनल का ऑप्शनल विषय की ऑप्शनल के रूप में जो सब्जेक्ट आपके पास है वो सब्जेक्ट सीमित है। जैसे अगर आप बीपीएससी के सामान्य परीक्षा में अगर आप जाते हैं, सामान्य सिविल सर्विसेज परीक्षा बीपीएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, लेकिन यहाँ पर LSW, श्रम एवं समाज कल्याण, इसके साथ साथ साइकोलॉजी के अलावा सोशियोलॉजी के अलावा होम साइंस, इन्हीं सब्जेक्ट को आपके सामने रखा गया है। तो मैं और मेरा जो आज का डिस्कशन है यह डिस्कशन LSW को लेके होगा। तो इस पूरे डिस्कशन में मैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन में GS और ऑप्शनल के रूप में LSW आपके लिए कैसे बेहतर है और उसके द्वारा आप कैसे तैयारी कर सकते हैं और कम समय में आप CDPO की तैयारी बेहतर तरीका से कर सकते हैं, इस बात की मैं आपके साथ परिचर्चा करने जा रहा हूँ। अब अगर हम आते हैं CDPO के लिए जो प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होने जा रही है, उस प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों का क्या पैटर्न है, तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे यह प्रश्न हूबहू जैसे बीपीएससी के प्रश्न पूछे जाते हैं। बीपीएससी के जो सामान्य एग्जाम होते हैं उस सामान्य एग्जाम में जो प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पूछे जाते हैं लगभग उसी से मिलते जुलते प्रश्न रहते हैं। और अगर हम उन प्रश्नों को देखें तो वहां पर अगर हम देखें तो यहां इतिहास से अगर प्रश्न देखते हैं तो इतिहास खंड से देखेंगे बीपीएससी के सामान्य परीक्षा में 40 से 42 प्रश्न पूछे जाते हैं। इतिहास खंड से 40 से 42 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इस प्रश्न को अगर बांट के देखें तो यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री और बिहार के इतिहास को ज़्यादा फोकस किया जाता है।
उसके अलावा मेडिवल से 5-6 और एंशियंट प्राचीन भारत के इतिहास से भी 5 या 6 प्रश्न रहते हैं। उसी तरह जब हम पॉलिटी सेक्शन में जाते हैं तो वहाँ से करीब 12 से 13 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें कुछ कंसेप्चुअल और कुछ फैक्चुअल प्रश्न, फैक्चुअल जानकारी पर आधारित प्रश्न होते हैं। इसी तरह भूगोल खंड, अर्थव्यवस्था खंड से अगर देखें तो 15 से 16 प्रश्न पूछे जाते हैं, और यहाँ पर 15 से 16 प्रश्न में 10 प्रश्न जो होते हैं वो भारतीय अर्थव्यवस्था की समझ से रहते हैं, और 5 से 6 प्रश्न जो बिहार की अर्थव्यवस्था से संबंधित होते हैं वो बिहार के इकोनॉमिक सर्वे और बिहार के आर्थिक क्रियाकलाप में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी रहती हैं, वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अर्थव्यवस्था का जो प्रश्न है वो भारत के इकोनॉमिक सर्वे, और अगर बिहार के इकोनॉमिक सर्वे और बिहार के अर्थव्यवस्था में जो समसामयिक की परिस्थिति में जो परिवर्तन आने जा रहा है या जो परिवर्तन हुआ है वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। चौथा जो हमारा खंड है वो खंड है भूगोल खंड। भूगोल से अगर देखेंगे, ज्योग्राफी सेक्शन से अगर हम देखते हैं तो यहाँ से 25 से 26 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो मेजर सेक्शन यहाँ पर दिख रहा है उस मेजर सेक्शन इतिहास है। इतिहास से 40 से 42 प्रश्न हमेशा बीपीएससी में पूछे ही जाते रहे हैं। दूसरा जो मेजर सेक्शन है वो ज्योग्राफी है, तीसरा मेजर सेक्शन पॉलिटी है, और चौथा मेजर सेक्शन इकोनॉमिक्स है। इसके बाद अगर हम देखें तो सामान्य विज्ञान के खंड से करीब 13 से 14 प्रश्न पूछे जाते हैं, और समसामयिकी से, करंट अफेयर से 25-26 प्रश्न, और फिर उसी तरह बिहार स्पेशल से करीब 25 से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर मेंटल एबिलिटी से करीब 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बीपीएससी के प्रत्येक एग्जाम में मेंटल एबिलिटी से आपको 10 प्रश्न मिल जाएंगे। तो इस बात को लेकर आपको घबराहट आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, इस बात को लेकर आपके अंदर घबराहट नहीं होनी चाहिए कि सीट बहुत कम है और कट ऑफ बहुत ज़्यादा चला जाएगा। अगर आप पिछले के एग्ज़ाम के भी कट ऑफ को देखते हैं, पिछले CDPO एग्ज़ाम के प्री एग्ज़ाम के अगर कट ऑफ को यहाँ पर देखा जाए तो जनरल का कट ऑफ वहाँ पर 98 गया था, और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि आप अगर प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए जो सेक्शन हमने बताया उस सेक्शन की एक बेहतर समझ विकसित कर ले तो यहाँ पर 100 स्कोर करना बहुत ही आसान है। आप बहुत आसानी से यहाँ पर 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, और ये बहुत कम समय में किया जा सकता है। अब हम लोग आते हैं कि प्री के बाद जब हम मेंस की तैयारी की तरफ जाएंगे, प्री के बाद जब हम मेंस की तैयारी की तरफ जाएंगे तो हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है पहला दोनों GS का पेपर। और इस दृष्टि से अगर हम देखें GS के पेपर को देखते हैं तो GS जो है वो दो पेपर में यहां पर बटा हुआ है, पेपर वन और पेपर टू। पेपर वन में अगर हम देखें तो यहां पर 3 सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक है भारत एवं बिहार का इतिहास एवं कला संस्कृति। तो इतिहास और कला संस्कृति खंड में अगर हम देखें और अगर हम बीपीएससी के सामान्य एग्जाम में जो पैटर्न पे प्रश्न पूछा जाता है हूबहू वही पैटर्न पर यहाँ भी प्रश्न पूछा जाता है। इस दृष्टि से अगर हम कला संस्कृति में देखें, इतिहास और कला संस्कृति को, हिस्ट्री एंड कल्चर एंड आर्ट्स को लेके चले तो यहाँ पर अगर आप 3 कला जो है बिहार का, मौर्य कला, पाल कला और पटना कला, वहाँ से अगर आप एक प्रश्न कर लेते हैं, यहाँ से एक प्रश्न रहेगा ही रहेगा। तो इस 3 कला को अगर आप तैयार करते हैं तो वहाँ से एक प्रश्न आपके पास आ ही जाएगा। दूसरा है कि जब स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो विद्रोह हुए थे, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, 1857 की क्रांति, इन सब को मिला के एक प्रश्न आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं।
अगर आप कम समय में तैयारी करना चाहते हैं और एक सिलेक्टिव अप्रोच अपनाते हैं तो यहाँ पर आप बेहतर तरीका से इतिहास सेक्शन को तैयार कर सकते हैं। दूसरा इसका जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है करेंट अफेयर्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन। करेंट अफेयर एंड इंटरनेशनल रिलेशन, समसामयिकी एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो ये जिस समय मेंस एग्जाम होगा उसके कुछ दिनों पहले की जो समसामयिक घटनाएं घटी रहेंगी वहां से यहां पर प्रश्न पूछे जाते हैं। और तीसरा जो इसका पार्ट है वो है स्टैट। और स्टैट में अगर आप देखेंगे, स्टैटिस्टिक्स में अगर आप देखेंगे तो यहां पर डीआई से संबंधित प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, डीआई से ही प्रश्न पूछा जाता है। और यहां पर आपके पास 5 ऑप्शन रहेंगे क्वेश्चन के, जहां पर आपको 3 प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा, चाहे वो प्रथम खंड हो इतिहास का, वहां भी आपको 5 या 6 प्रश्न रहेंगे, वहां से 3 प्रश्नों का जवाब देना रहेगा। द्वितीय खंड में भी 5 प्रश्न रहेंगे, वहां से आपको 3 प्रश्न का जवाब देना है। और स्टेट के खंड में भी 4 प्रश्न रहेंगे, वहां से आपको 2 प्रश्न का जवाब देना है। तो इस सेक्शन की स्टेट का जहां तक सवाल है तो यहां पर आप वहां उसका जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर आप वहां पर प्रदर्शन करेंगे। अगर हम जीएस के पेपर 2 की तरफ मुड़ते हैं तो पेपर 2 का जो पहला पोर्शन है वह राज व्यवस्था है और दूसरा पोर्शन जो है वो भूगोल एवं अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न यहां पर पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और उसी तरह तीसरा जो पोर्शन इसका है यहां से विज्ञान एवं तकनीकी से प्रश्न पूछे जाते हैं, साइंस एवं टेक्नोलॉजी से प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर इस प्रश्नों की प्रवृत्ति पर आप ध्यान देंगे, प्रश्नों की प्रवृत्ति को देखेंगे तो यहां भी वही प्रश्न पूछे जाएंगे जो सामान्यतः बीपीएससी की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां पर अगर देखें तो पॉलिटी के प्रश्न जो हैं, राज्य व्यवस्था से संबंधित जो प्रश्न हैं वो समसामयिक सिचुएशन से जोड़ के भी वहां पर पूछे जाते हैं। रहा अर्थव्यवस्था और भूगोल का प्रश्न, तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था और भूगोल दोनों जगह पर अप्लाइड सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न पूछे जाते हैं। और जहाँ तक साइंस टेक का प्रश्न रहा तो साइंस टेक के भी प्रश्न जो हैं वो लगभग एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न ही पूछे जाते हैं। और यहाँ पर एक इस सब्जेक्ट का एक व्यापक समझ डेवलप करके आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ भी प्रश्नों का ऑप्शन काफ़ी रहता है, 5 में से 3 प्रश्न के 5 में से 4 में से 2 प्रश्न के इस तरह आपको जवाब देने रहेंगे, तो आप यहाँ पर बेहतर कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं ऑप्शनल के रूप में। और ऑप्शनल के रूप में मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूँ कि मैं यहाँ पर आपके साथ LSW एक ऑप्शनल के रूप में कैसे आपके लिए उपयोगी हो सकता है इस विषय पर चर्चा करूँगा। और इस दृष्टिकोण से अगर हम चर्चा करते हैं ऑप्शनल पेपर की, अगर हम इस दृष्टिकोण से चर्चा करते हैं कि LSW हमारे लिए बेहतर कैसे होगा, तो इसका सीधा संदर्भ है, इसका जो पहला संदर्भ है तो पहला जो संदर्भ इसका है, इसका जो सिलेबस अगर आप देखेंगे, इसका जो पाठ्यक्रम है वो अपेक्षाकृत और सब्जेक्ट की बनिस्पत अपेक्षाकृत थोड़ा सा छोटा है। और थोड़ा सा छोटा होने के साथ साथ अभी जो सिनेरियो चेंज हुआ है, अभी जो लेबर लॉ में बहुत ज़्यादा रिफॉर्म किए गए हैं, उस रिफॉर्म के मद्देनज़र इसका सिलेबस जो है वो और ज़्यादा छोटा हो गया है। जैसा कि आपको पता है कि 1 अप्रैल से नए लेबर कोड जो बने हैं वो लेबर कोड आपके सामने आ जाएंगे और वो 1 अप्रैल से प्रभावी हो जाएंगे। और जब LSW के सिलेबस को आप देखेंगे तो वहाँ पर स्पष्ट रूप में कहा गया है कि अद्यतन परिवर्तन के साथ जो नया कोड आएगा वो आपके लिए रिलेवेंट हो जाएगा। और इस परिप्रेक्ष्य से हम अगर पूरे LSW के सिलेबस को देखें
तो मैं अब आपके साथ LSW का सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूं। एक ऑप्शनल के रूप में LSW आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण हो सकता है, इस मामले में जो सबसे पहली बात यह है कि इसका जो सिलेबस है ये अपेक्षाकृत छोटा है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर शुरुआती जो तीन आपको दिख रहे होंगे, श्रम विधान का सिद्धांत, भारत में श्रम विधान का संक्षिप्त इतिहास, भारतीय संविधान में श्रम संबंधित उपबंध, यहाँ पर लेबर लॉ से संबंधित जो महत्वपूर्ण थ्योरीज हैं, जो महत्वपूर्ण थॉट हैं, उनसे संबंधित प्रश्न है और इसका कैसे कैसे विकास हुआ है। निहायत सी बात है कि लेबर लॉज का जो डेवलपमेंट हुआ है उसका कहीं ना कहीं संबंध जाके औद्योगिक क्रांति से जुड़ता है। औद्योगिक क्रांति के बाद औद्योगिकरण के कारण जो समाज में परिवर्तन आया, जो पूंजी और श्रम के बीच के संबंध में परिवर्तन आया, उससे जाके जुड़ता है। और फिर भारत में कैसे लेबर श्रम से संबंधित कानून का उद्भव कैसे हुआ और वह कैसे कैसे प्रभावित होती गई और कैसे कैसे विकसित होती चली गई और उसके विकास में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और भारतीय संविधान की क्या भूमिका रही, प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे और यही आपका सिलेबस के अंतर्गत भी है। अगर हम इस फर्स्ट पेपर को अगर हम देखें तो फर्स्ट पेपर की शुरुआत की हमने चार टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया, इसके साथ ही 11 श्रम कानून आपको फर्स्ट पेपर में पढ़ने हैं। और अगर हम इस 11 श्रम कानून को नए बने लेबर कोड के अनुसार देखें तो ये इसकी संख्या कम होके आपके पास केवल 3 लेबर कोड और 2 अन्य कानून होके 5 कानून ही केवल आपको पढ़ने होंगे, जिसमें से बाल श्रम अधिनियम है, क्योंकि इसमें 2016 में परिवर्तन कर दिया गया है। तो बाल श्रम अधिनियम जो है, ये बाल श्रम अधिनियम किसी भी लेबर कोड में नहीं शामिल है। और इसके अलावा केवल एक जो बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम है, ये केवल किसी लेबर कोड में नहीं शामिल है। इसके अगर आप देखें तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मजदूरी भुगतान अधिनियम और समान पारिश्रमिक अधिनियम, इस तीनों को एक जगह कोडिफाई करके मजदूरी संहिता ...2019 लाया गया है। उसी तरह कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम से लेके उपदान संदाय अधिनियम तक, अर्थात एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट से लेके पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट तक, ये पूरा का पूरा अधिनियम जो है, इन चार अधिनियमों को सोशल सिक्योरिटी कोड में कोडिफाई कर दिया गया, सोशल सिक्योरिटी कोड में सामाजिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत सम्मिलित कर दिया गया है। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अंतर्गत इनको समाहित कर दिया गया है। और कारखाना अधिनियम और बीड़ी सिगार अधिनियम, इस दो अधिनियम को कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं कार्यदशा अधिनियम के साथ इनको जोड़ दिया गया है, वहाँ पर इनको कोडिफाई कर दिया गया, वहाँ पर इनका संहिताकरण कर दिया गया है। तो ले देके जो आपको अधिनियम पढ़ने हो, मात्र 5 अधिनियम पढ़ने। अब ऐसा बात प्रश्न आपके पास या आपके जेहन में ये प्रश्न उठना सहज है, एकदम स्वाभाविक है, कि इसका मतलब यह तो नहीं है ना कि जो नया अधिनियम आ गया तो हमको पुराना अधिनियम भी पढ़ना पड़ेगा, नया अधिनियम भी पढ़ना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आपको यह बतलाना चाहता हूँ कि जो भी नए अधिनियम बने हैं उसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं किया गया है। कुछ अगर प्रावधानों को छोड़ दें तो मैक्सिमम प्रावधान जो है वहाँ से डिटो कॉपी करके रखे गए। परिवर्तन केवल इतना हुआ है कि जो भी आप लेबर कोड देखेंगे उसका किसी न प्रत्येक लेबर कोड का कोई एक न एक मकसद रहा है, और उसी मकसद के अधीन जो मेन मकसद रहा है, जो मेन उसका बॉडी रहा है, वो प्रभावी रहा है और बाकी सब उसके इम्प्लीमेंटेशन से संबंधित प्रावधान उसमें रखे गए थे। तो यहाँ पर समान तरह के कानून को एक जगह रख दिया गया, उसकी जो मेन काम मेन बॉडीज जो उसके थे वो ज्यों के त्यों रखे गए हैं, और सारे के सारे जो इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटीज़ थे उनको एक जगह रख दिया गया है। तो
बहुत कम समय में आप बहुत बेहतर तरीका से इसको समझ सकते हैं, इसको तैयार कर सकते हैं। इसके बाद अगर अगला अगर इसका हम टॉपिक देखें तो एक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक के सृजन और भारतीय श्रम विधान पर, भारतीय श्रम कानून पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का क्या प्रभाव पड़ा। उसके बाद बिहार में श्रम प्रशासन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, बिहार से में श्रम प्रशासन से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर अगर हम इसके पेपर टू की तरफ जाएं जो औद्योगिक संबंध और समाज कल्याण से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर औद्योगिक संबंध की अवधारणा से प्रश्न पूछे जाते हैं। औद्योगिक विवाद से प्रश्न पूछे जाते हैं, हड़ताल, तालाबंदी, उसके सुलझाने के तरीके। तो यहां पर भी देखेंगे तो तीन अधिनियम, ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट और एक स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट है, इस तीनों को एक करके यहां पर भी इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड लाया गया है, औद्योगिक संबंध संहिता लाया गया है। तो यहां पर भी औद्योगिक संबंध संहिता लाया गया है और वो भी धीरे धीरे बहुत सारी बातों को एक जगह समाहित करने की कोशिश की गई है, वहां भी आपको बहुत कम समय में आप बेहतर तरीका से इसकी तैयारी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग जो एक्ट पढ़ने थे उसके जगह पर आपको केवल एक एक्ट के अंतर्गत सभी चीजों को पढ़ना है। इसके बाद आता है भारत में प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता, फिर भारत में ट्रेड यूनियंस का इतिहास, ट्रेड यूनियन से संबंधित प्रश्न पूछे आपसे पूछे जा सकते हैं यहाँ पर, फिर अनुशासन संहिता और आचरण संहिता से संबंधित प्रश्न आते हैं। इसके बाद जब इसी के सेकेंड पार्ट में हम जाते हैं तो सेकेंड पार्ट में सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी से संबंधित प्रश्न, इसके साथ ही जो सामान्य इकोनॉमी के प्रश्न है या सामान्य जो सोशल प्रॉब्लम से जुड़े हुए प्रश्न हैं, जैसे बेरोजगारी, गरीबी, फिर बाल कल्याण, महिला कल्याण, भिक्षावृत्ति, मद्य निषेध, वेश्यावृत्ति और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित जो टॉपिक है वो यहाँ पर डाला गया है। तो इस पोर्शन को भी आप बहुत कम समय में बेहतर तरीका से तैयार कर सकते हैं, ज़रूरत है इसके विषय में एक दृष्टिकोण, एक समझ को विकसित करने का। और मैं इससे संबंधित एक वीडियो में पहले ही YouTube पे जारी कर चुका हूँ, आप सार्थक संवाद पे LSW के 66 मेंस के लिए जो LSW का मेरा वीडियो है उस वीडियो को आप देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने इसको डिटेल से डिस्कस किया है कि क्यों इस कैसे कम समय में इस सब्जेक्ट की बेहतर तैयारी करके और बेहतर मार्क्स वहाँ पर आप ला सकते हैं, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। अब हम थोड़ा सा पैटर्न, क्वेश्चन पूछे जाने के पैटर्न को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं। और अगर देखेंगे बीपीएससी के द्वारा जो बीपीएससी एग्जाम में मैंने 60वीं 62वीं से, क्योंकि 60वीं 62वीं से पहले LSW का दो पेपर के अलग अलग एग्जाम हुआ करते थे, 60वीं 62वीं से एक पेपर में ही दोनों एग्जाम को जोड़ दिया गया है, तो वहीं से मैंने उठाया है कि वहाँ से तैयारी करने में, वहाँ से जानने में आपको ज़्यादा सहूलियत होगी। और वहाँ से अगर हम पैटर्न, प्रश्नों के पैटर्न को देखें तो जो पहला टॉपिक हमने कहा था, पहला जो शुरू का 5 टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया था, भारत में श्रम विधान का इतिहास, भारत के में श्रम विधान के सिद्धांत, या भारत में श्रम विधान पर कॉन्स्टिट्यूशन या ILO का क्या प्रभाव पड़ा, इससे संबंधित प्रश्न को अगर देखें तो 60वीं 62वीं में देखेंगे वहाँ से बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछे जा रहे हैं और एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा तथा मजदूरी के विशेष संदर्भ में श्रम विधान के सिद्धांतों एवं प्रकारों पर चर्चा कीजिए, यह 60वीं 62वीं में पूछा गया था। फिर भारतीय श्रम विधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को संक्षिप्त रूप से स्पष्ट कीजिए तथा भारतीय संविधान में समावेशित श्रम से संबंधित प्रावधानों पर चर्चा कीजिए, मोर और देश लेके इसी प्रकार के प्रश्न अगर 64वीं में देखें तो 64वीं में भी इसी तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और 65वीं एग्जाम में भी लगभग देखेंगे तो भारत में विभिन्न श्रम विधानों की प्रगति में भारतीय संविधान और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की भूमिका पर चर्चा करें।
तो एक ही पैटर्न के प्रश्न यहाँ पर पूछे जा रहे हैं थोड़ा बहुत तब्दीली के साथ। उसी तरह जब हम ये हमने जो 11 एक्ट की चर्चा की थी, उस 11 एक्ट से अगर देखें तो कारखाना अधिनियम से देखें तो हम प्रत्येक वर्ष कारखाना अधिनियम से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर 60वीं 62वीं में देखें तो कारखाना की परिभाषा और उसके आरोग्य और कल्याणकारी सुविधाओं से संबंधित अर्थात हेल्थ और वेलफेयर मेजर से प्रश्न पूछे गए थे। 63वीं में अगर देखें तो वहाँ पर भी सेफ्टी और वेलफेयर से प्रश्न पूछे गए थे। 64वीं में देखें तो यहाँ से दिखता है कि प्रश्न को दो पार्ट में बांट बांट के यहाँ पर पूछा जा रहा है। 64वीं में अगर देखें तो कारखाना अधिनियम के अंतर्गत महिला और बच्चों के रोजगार से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे और समान पारिश्रमिक अधिनियम के बिहार में समान पारिश्रमिक अधिनियम के विशेषताओं को पूछा गया था। उसी तरह जब हम 65वीं में देखते हैं जो अभी रिसेंट हुआ है तो वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ पर भी कारखाना अधिनियम से प्रश्न पूछे गए हैं। वहाँ पर वर्क कंडीशन, हेल्थ और वेलफेयर से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। और फिर बीड़ी सिगार अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं और बच्चों के नियोजन से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो एक चीज़ पैटर्न आपको ये भी दिखेगा कि यहाँ पर प्रश्नों की जो पूछने की तरीका है, वो प्रश्न पूछने का तरीका अब पूरा का पूरा अधिनियम से संबंधित प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, अब उसके किसी एक पोर्शन से उठा के पूछा जा रहा है। और जब श्रम कानूनों का संहिताबद्ध कर दिया गया, जब बहुत कंसाइज कर दिया गया है, तो वहाँ पर और भी कम प्रावधान आपके पास रह जाते हैं पढ़ने के लिए और वहाँ से प्रश्न वहाँ पूछे जा सकते हैं। तो केवल जो मुख्य प्रावधान इसके हैं उन्हीं को आप अगर फोकस करेंगे तो आप आंसर देने की स्थिति में रहेंगे। दूसरे प्रश्न की तरफ अगर हम जाते हैं तो 60वीं 62वीं अगर सामाजिक सुरक्षा से संबंधित प्रश्न को देखें तो वहाँ पर एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट से के संबंधित जो प्रावधान है उसके प्रमुख प्रावधानों की चर्चा करने की बात है। 64वीं में अगर देखें तो ग्रेच्युटी से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, बाल श्रमिक अधिनियम से प्रश्न पूछे गए हैं। इसी तरह 60वीं 62वीं में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम से प्रश्न पूछे गए हैं। फिर 63वीं में देखेंगे तो कर्मचारी क्षतिपूर्ति से प्रश्न पूछे गए हैं। फिर 64वीं में देखें तो कर्मचारी राज्य बीमा ESI अधिनियम से प्रश्न पूछे गए हैं। 63वीं में अगर हम देखें तो समान पारिश्रमिक अधिनियम का बिहार के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है। और फिर यही प्रश्न 65वीं में फिर रिपीट हो रहा है। 65वीं में फिर इसी प्रश्न को पूछा गया है कि बिहार के सभी क्षेत्र में इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट का कैसे इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। इसी तरह अगर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रभाव को देखें तो वहाँ से संबंधित प्रश्न भी लगभग मोर द लेस एक ही तरह की बातों को डिफरेंट तरीके से हर साल में पूछा गया है। इसी तरह जब हम सेकेंड पेपर में आते हैं और सेकेंड पेपर में भी देखेंगे तो 60वीं 62वीं 63वीं 64वीं और 65वीं प्रश्न में आपको एक कंटिन्यूटी नजर आएगी। प्रश्न पूछने के पैटर्न में एक प्रकार की ही कंटिन्यूटी, एक प्रकार का ही परिवर्तन देखने को मिलेगा। अगर सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर मेजर से संबंधित प्रश्न को पूछते हैं, प्रश्न को देखते हैं तो हर वर्ष देखेंगे कि गरीबी और बेरोजगारी से एक प्रश्न वहाँ पर पूछे ही जाते हैं। इसी तरह अगर सामाजिक समस्याओं को लेकर चले तो सामाजिक कल्याण से संबंधित प्रश्न, फिर महिला कल्याण से संबंधित प्रश्न, पिछड़ा वर्ग, SC ST इससे संबंधित एक न एक प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप बहुत कम समय में सेलेक्टिव होके बेहतर तैयारी कर सकते हैं, बहुत कम समय में CDPO की बेहतर समझ आप डेवलप कर सकते हैं। और अब मैं अंत में आपके साथ पिछले वर्ष जो CDPO का जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था, जो 2019 में CDPO का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों का थोड़ा सा परिचय मैं आपको दे देता हूँ। अगर चूंकि मैंने प्रश्नों का पहले BPSC के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे गए, BPSC के सामान्य परीक्षा में जो LSW से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उसकी मैंने आपके साथ चर्चा की है, तो आपको एक आभास हो गया होगा, एक पैटर्न का पता चल गया होगा कि किस प्रकार के प्रश्न वहाँ पर पूछे जाते हैं। और इसी बात को मैं पुष्ट करने के लिए सबसे अंत में मैं आपके साथ CDPO में जो पिछली बार प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न को मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। और उसका पहला जो प्रश्न था, पहला प्रश्न था कि भारत में श्रमिक वर्ग के कल्याण एवं संरक्षण के लिए बनाए गए
विविध संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। तो ये भी मोर द लेस वही प्रश्न जो पहला पेपर में हमने डिस्कस किया कि संवैधानिक प्रावधान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी प्रश्न को यहाँ भी पूछा गया है। उसी तरह देखेंगे तो दूसरा जो प्रश्न पूछा गया हुआ है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत दिए जाने वाले विभिन्न लाभों हितों से संबंधित सामान्य प्रावधानों की विवेचना कीजिए। मीन्स ESI अधिनियम के अंतर्गत जो जो बेनिफिट्स कर्मचारियों को उपलब्ध करवाए गए हैं, इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एवं इसके भारतीय श्रम विधानों पर प्रभाव की विवेचना कीजिए। हमने जब प्रश्न की चर्चा की वहाँ पर हमने दिखलाया कि इस तरह के प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। इसी तरह पूछा गया मातृत्व हित अधिनियम 1961 के अधीन महिला कर्मचारियों को मिलने वाले विभिन्न हित लाभों के विषय में चर्चा करें। और छठा क्वेश्चन जो है वो है बाल श्रम अधिनियम 1986 के प्रावधानों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। तो आप, मैं प्रश्नों को इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि मोर द लेस यही प्रश्न का पैटर्न BPSC के सामान्य एग्जाम में भी आपको दिख रहा है, और यही प्रश्न का यही पैटर्न LSW ऑप्शनल के लिए CDPO में भी आपके समक्ष रहेगा। तो आप इसको कम समय में बेहतर तरीका से तैयार कर सकते हैं। अगर हम औद्योगिक संबंध से संबंधित प्रश्नों को देखें तो यहाँ भी जो प्रश्न पूछा गया वो है कि औद्योगिक संबंधों की अवधारणा, इसके क्षेत्र एवं इसके प्रमुख पहलुओं की व्याख्या कीजिए। अगर दूसरा प्रश्न देखें तो श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। भारतीय उद्योग में इन उद्देश्यों को किस हद तक प्राप्त किया गया है, व्याख्या कीजिए। यह भी प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता से संबंधित प्रश्न पूछ है। तीसरा जो प्रश्न है वो सामाजिक सुरक्षा को परिभाषित कीजिए। बिहार राज्य में सरकार द्वारा नागरिकों के लिए चलाए जा रहे विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों पर प्रकाश डालिए, ये प्रश्न भी वहाँ पूछा गया है। उसी तरह बिहार राज्य में शराबबंदी पर एक आलोचनात्मक निबंध लिखिए, इस तरह के प्रश्न भी BPSC के सामान्य प्रश्न में जो LSW में पूछे गए वही प्रश्न यहाँ भी रिपीट किया गया है। इसी तरह जो अगला प्रश्न है वह है कि बिहार में महिलाओं की स्थिति पर की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। तो देखिए कि मोर द लेस जो प्रश्न वहाँ पूछे जा रहे हैं वही प्रश्न यहाँ भी रिपीट हो रहे हैं। तो हमारे जो पूरे डिस्कशन का जो सार तत्व है वो सार तत्व यह है, उस पूरे डिस्कशन का जो कंक्लूजन है वो कंक्लूजन यह है कि आपके लिए LSW सब्जेक्ट के द्वारा, श्रम एवं समाज कल्याण सब्जेक्ट के द्वारा बहुत कम समय में बेहतर तरीका से तैयारी की जा सकती है, बशर्ते कि आप इस सब्जेक्ट में या इसके जो नए कानूनों में क्या परिवर्तन हुआ उस परिवर्तन से वाकिफ हों। और जब आप उस परिवर्तन से वाकिफ होंगे तो आपको, आप बहुत कम समय में इस सब्जेक्ट की बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। दूसरा चीज़ कि आप नोट्स को रटने की से परहेज करें, क्योंकि नोट्स को रटेंगे जब कभी भी तो आप जैसे जितने भी विद्यार्थी होंगे वो कहीं से भी नोट्स उठा लेंगे और उसको रट जाएंगे, तो सबके उत्तर में एक रूपता होगी। और यह शिकायत बहुत लंबे समय से आ रही है कि LSW में औसत मार्किंग होने का एक बहुत बड़ा कारण यह है। तो इसके बनिस्पत आप इस सब्जेक्ट की एक समझ विकसित करें, और उस समझ को विकसित करने में कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं होने जा रही है। इस सब्जेक्ट को आप एक बार समझ लेंगे तो आप इसको अपने शब्दों में बेहतर तरीका से लिख सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि यह सब्जेक्ट एक डायनेमिक सब्जेक्ट है, तो इसको लगातार आपको अपडेट रहना होगा, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा से संबंधित जो प्रोग्राम्स है वो हमेशा बदलते रहते हैं, सरकार की प्राथमिकताएं उन पे रहती है। तो आप कम समय में एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी, एक डिसिप्लिनरी अप्रोच को लेके चले तो आप इस सब्जेक्ट की बहुत कम समय में और बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और इससे संबंधित LSW की तैयारी कैसे करें, इससे संबंधित मेरा एक वीडियो YouTube पे ऑलरेडी है, आप उसको देख के वहाँ से इसके बारे में एक समझ को विकसित कर सकते हैं। तो मैं आप सबों को फिर से एक बार शुभकामना देता हूँ, आप इस सब्जेक्ट को अपनाएं और इसको, इस सब्जेक्ट को ऑप्शनल के रूप में लें और बेहतर तैयारी करें। मैं आपके अच्छे भविष्य की, सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें, और इसके साथ ही इसको सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम इससे संबंधित अगर और भी कुछ नए वीडियो
बना सकें तो वो आपके पास यथाशीघ्र पहुंच सके। ओके, आपने मेरी इस चर्चा को इतने समय तक सुना, इसके लिए आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। ओके, थैंक यू।